हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूट्यूब अवार्ड के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे कि यूट्यूब अवार्ड क्या है और इसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो आपने अभी तक हमारा कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन इस पर क्लिक करके हमारा चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक बेल का आइकन नजर आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर लीजिए। अगर जो आप उस पर भी क्लिक कर लेते हैं तो हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज अपलोड की जाएंगी सबका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के द्वारा मिल जाएगा। तो ये सब शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यूट्यूब अवार्ड क्या है। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर कई सारी वीडियोज देखी होंगी जो कि सिल्वर प्ले बटन या फिर गोल्डन या फिर डायमंड प्ले बटन के साथ में चैनल पर आते हैं और बताते हैं कि यूट्यूब की तरफ से हमें यह अवार्ड मिला हुआ है। तो ये यूट्यूब की तरफ से अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जो कि यूट्यूब क्रिएटर हैं और यूट्यूब पर कड़ी मेहनत करते हैं, जिनका कंटेंट भी काफी यूनिक होता है, तो उन लोगों को ये YouTube की तरफ से अवार्ड मिलता है। और इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर जो आप लोगों के 1,00,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो यहाँ पर आप लोग सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको सिल्वर प्ले बटन दिया जाएगा। और अगर जो आप लोगों का अगर जो 1,000,000 सब्सक्राइबर है तो आप लोगों को गोल्ड बटन दिया जाएगा। और अगर जो आप लोगों के 10,000,000 सब्सक्राइबर यानी कि 1,00,000,000 सब्सक्राइबर है तो आपको डायमंड बटन दिया जाता है। तो इस तरह से YouTube की तरफ से काफ़ी और भी अपने क्रिएटर को अवार्ड दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारा जो चैनल है, हमारे चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। और यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पूरा मैसेज दिया हुआ है कि जो आपका जो चैनल है वो गुड स्टैंडिंग में होना चाहिए, उस पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए, और जो आपके जो सब्सक्राइबर हों वो रियल सब्सक्राइबर हों, ना कि परचेज किए हुए हों, और आपका जो कंटेंट हो वो बिल्कुल यूनिक होने चाहिए। तो इत्यादि यहाँ पर कई सारी रिक्वायरमेंट हैं। दोस्तों, अगर जो आप लोगों के पास ये सब कुछ हो चुका है, अगर जो आप लोग ये सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, तो इसके बाद हमें यूट्यूब को ईमेल करने का होता है। ईमेल करना है हमें creator-support@youtube.com, इस पर हमें एक मेल करना है। उस पर हमें बताना है कि हमारे चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर या फिर 10,00,000 या फिर जो भी आप लोगों के जो हुए हों वो आप लोगों को कंपोज करना है और YouTube टीम को भेज देना है। YouTube टीम इसके बाद आपके चैनल को देखता है, आपके चैनल का रिव्यू करता है, और उसके बाद अगर जो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हों तो YouTube की तरफ से 5 से 6 दिन के बाद हमें मेल आता है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मुझे यहाँ पर ईमेल आया हुआ है, और इसके बाद हमें ये जो YouTube अवार्ड है इसके लिए अप्लाई करना है। हम डायरेक्ट यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो ये ईमेल आया है, इस ईमेल के पर जो ये इन्होंने जो रिडीम पोर्टल दिया है इस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक रिडीम कोड भी दिया जाता है, तो वो रिडीम कोड हमें यहाँ पर कॉपी कर लेना है, क्योंकि जो एक रिडीम कोड है ये हमें वहाँ पर पेस्ट करना है। और इसके बाद जो मैं यहाँ पर न्यू टैब यहाँ पर ओपन किया हुआ था उस टैब पर यहाँ पर आ जाता हूँ। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे इंटर यूअर वैलिडेशन कोड, तो जो हमारा जो कोड है वो हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, और उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर जो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसको अग्री कर लेते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है कंटिन्यू। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा जो चैनल है, चैनल का नाम हमें यहाँ पर देना है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी आप लोग यहाँ पर चैनल का नाम दें वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर जो आप लोग कुछ भी अगर जो मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो आप लोगों का जो अवार्ड होगा उस पर वही प्रिंट होकर के आएगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का जो चैनल नेम है उसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद हमारा जो ये चैनल नेम है ये हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक बार इसको फिर से देख लीजिए, और उसके बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यू इस पर क्लिक करना है। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो शिपिंग एड्रेस है वो हमें यहाँ पर सेट करना है। तो जो हमारा जो एड्रेस है यहाँ पर कंट्री नेम है, यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर हमारा जो एड्रेस वो हमें यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं ये सब कुछ यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ। दोस्तों, ये सब करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर पूरा सब कुछ यहाँ पर फिल कर चुका हूँ। तो इसके बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यू इस पर क्लिक करना है, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर फिर से ये सब कुछ यहाँ पर दिखाता है। जो भी आप लोगों ने टाइप किया होगा, फिल किया होगा, वो सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो एक बार आप लोग फिर से इसको चेक कर लीजिए, और अगर जो आप लोगों का ये सब कुछ सही है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे माई अकाउंट। और माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा जो स्टेटस बता रहा है वो ऑर्डर बता रहा है, यानी कि हम इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि 6 से 12 हफ्ते हमें प्राप्त करने में लग सकते हैं।
और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर जो इससे रिलेटेड अगर जो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दे सकता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग सीख चुके हैं कि यूट्यूब अवार्ड क्या है, किसे प्राप्त होता है और इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, जिससे कि हमारा हर अपडेट आप तक पहुँचा रहे। और अगर जो आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। तो कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल के साथ और सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। थैंक्स।